खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। WF न्यूज आपको खबर दे सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं GST PST के हवाले से। तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों के लिए जो वीडियोस बनाता हूँ, काइंडली आप इसको शेयर भी किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिले सबसे पहले। और उसके बाद मैं आज मतलब यहाँ पर जो बात करने जा रहा हूँ, हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब उम्मीदवार हैं गर्ल्स और बॉयज़ जो हमें कमेंट्स कर रही हैं। और उसके अलावा जो है मतलब एक उम्मीदवार का हमारे पास कमेंट भी था कि वो कह रहे हैं कि अब जो है आपको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए क्योंकि सब तय हो गया है, सारा फैसला हो गया है, 40% पॉलिसी नहीं होगी, अब जो है आपको आवाज़ बिल्कुल भी नहीं उठानी चाहिए। मतलब ये जो है हमें कमेंट्स आ रहे हैं। और दूसरा ये कि अभी मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगा कि ये जो 40% वाली पॉलिसी है ये कब होगी और कैसे होगी और क्या होगा। तो अभी हम यहाँ पर समझ लें कि ये हमारी जो वीडियो है वो है प्रोटेस्ट। हम यहाँ पर जो है एहतजाजी वीडियो बना रहे हैं और इसमें जो है इंशाल्लाह हम मिलकर जो है यही आवाज़ उठाएंगे कि 40% जो है पॉलिसी की जाए। और मैं आपको दोबारा से बता दूं कि अभी जो है तय नहीं हुआ है 40% पॉलिसी का कि 40% पॉलिसी की जाए। हम यही चाहते हैं, वी वांट जस्टिस, हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ चाहते हैं। और एंड तक जब तक जो है ये सब कुछ नहीं हो जाता, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप लोग भरपूर जो है एहतजाज करें। और आप देख रहे होंगे डिफरेंट वीडियोस जो मैंने अभी अपने चैनल पर अपलोड की थी, तो उसमें जो है काफ़ी एहतजाज हो रहा है, ग्रेस मार्क के लिए भी जो है एहतजाज हो रहा है, IBA के ख़िलाफ़ भी एहतजाज हो रहा है। तो बहुत सारे एहतजाज हो रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमें जो है अच्छी खबर मिलेगी इंशाल्लाह और बहुत अच्छा होगा। और माशाल्लाह से सबसे बड़ी बात यह कि आप लोग जो है हमारे साथ हैं। और जब एक आवाम साथ होती है तो एक अच्छा मतलब समझ लें कि पूरा समझ लें वो पैकेज बन जाता है बड़ा। मतलब एक कौम जब साथ होती है ना तो बहुत अच्छा हो जाता है। जब बोलते हैं कि टीम होती है ना तो वर्क अच्छा होता है, और जब अकेला बंदा होता है ना तो वर्क अच्छा नहीं होता। तो काइंडली आप हमारे साथ रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। और एक हमारे पास कमेंट आया था कि 40 पर जो है फीमेल्स को पास करें, नहीं तो टेस्ट दोबारा ली जाए एंड फालतू में परेशान ना करें ज़्यादा प्लीज़। मतलब ये किसी जो है हमारे पास फीमेल का जो है कमेंट था, तो वो कह रही है कि अगर 40 पे पास नहीं कर रहे हैं तो टेस्ट दोबारा लिए जाएँ। इनकी बात भी बिल्कुल सही है, अगर आप 40 पर पास नहीं कर रहे तो टेस्ट दोबारा लिए जाएँ, हम टेस्ट जो है दोबारा देने के लिए तैयार हैं। अगर आप ही जो है टेस्ट दोबारा देने के लिए तैयार है, मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि 40% पॉलिसी हो, अगर 40% पॉलिसी ना होती है तो इस सूरत में जो है आप टेस्ट देने के लिए तैयार हैं। ये मैं आपसे जो है सवाल कर रहा हूँ कि क्या आप दोबारा टेस्ट देने के लिए तैयार हैं, दोबारा टेस्ट देंगे? अगर देंगे तो कमेंट में आप जो है हमें लाजमी बताएँ और अपनी राय जो है ज़रूर शेयर करें हमसे। और जो दूसरा मतलब मैंने जो कमेंट देखा था, वो इन्होंने हमें कमेंट किया था, उनका नाम तो मैं नहीं पता यहाँ पर, लेकिन उनका जो कहना था तो मतलब उन्होंने यही कहा कि साफ नज़र नहीं आ रहा है। मतलब हमारी जो एक लास्ट वीडियो हमने IBA के लिए जो है अपलोड की थी, मतलब जो IBA की वीडियोज़ थी जिसमें जो है पेपर्स जलाए जा रहे थे, तो उस पर जो है कमेंट आया था कि साफ नज़र नहीं आ रहा है, आंसर शीट बिल्कुल अनटच मीन्स अनसॉल्व्ड हैं, यानी कि वो सॉल्व्ड नहीं हुई हुई हैं। IBA वाले इतने पागल नहीं हो सकते कि सरेआम पेपर्स जलाएं, वो तो बहुत इजीली पेपर्स को गायब कर सकते थे, ये तो IBA को बदनाम किया जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये जो लास्ट वीडियोस आप लोगों ने देखी थी तो मुझे भी यहाँ पर ऐसा ही लगा था कि IBA को जो है बदनाम किया जा रहा है, वो इसलिए कि कुछ उम्मीदवार मतलब हो सकता है कि कुछ ऐसे शख्स हों, मतलब ऐसे शख्स होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो मतलब सामने वाले को जो है बदनाम करें। लेकिन मुझे भी ऐसा लग रहा था कि बदनाम किया जा रहा है, वो जो पेपर्स थे वो बिल्कुल मतलब अनसॉल्व थे, मतलब वो सॉल्व्ड नहीं थे पेपर्स ना। लेकिन उसमें भी जो है आप लोगों ने हमें कमेंट करके राय दी तो बहुत अच्छा लगा, उससे काफ़ी हमें जो है मतलब सोचने पर मजबूर किया आप लोगों के कमेंट्स ने। और उसके अलावा दूसरा जो हमारे पास कमेंट था उसके मतलब उसके लिए भी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ना। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि वो कमेंट जो था वो बड़ा समझ लें कि औसम कमेंट था। मतलब उस कमेंट को देखने के बाद जो है मतलब मुझे भी लगा कि वाकई ये बात सही हो सकती है। तो वो कमेंट था कि गवर्नमेंट एरिया रियल गेम प्लेयर
माइंड डिलीवर्ड जो है वो कर रहे हैं ये बीएस प्राइमरी सेकेंडरी पोस्ट से और कुछ भी नहीं। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो अभी रिसेंटली पोस्ट आई है इससे जो है हमारे जो उम्मीदवार हैं उनका माइंड डिलीवर्ड किया जा रहा है ताकि जो है लोग उसमें लग जाएं वाली जॉब्स के लिए, और जेएससी पीएससी वाली जो 40% वाली पॉलिसी है उस पर आवाज़ ना उठाएं। जी ये बिल्कुल आपकी बात तो बिल्कुल सही है, और यहाँ पर देखें हम जो है ना इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम हार नहीं मानने वाले, हम जो है इंसाफ चाहते हैं और इंशाल्लाह एंड तक इंसाफ चाहेंगे और 40% पॉलिसी हम करवा कर रहेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता जब तक हम खुद ना रुक जाएं। तो काइंडली हमें खुद नहीं रुकना है इंशाल्लाह, और हमें उम्मीद है, बहुत सारी उम्मीदें हैं कि 40% पॉलिसी होगी इंशाल्लाह, और आप भी जो है दुआएं करें इंशाल्लाह कि 40% पॉलिसी हो। और मुझे तो कुछ अच्छा ही लगता है कि इंशाल्लाह अच्छा होगा। और आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या कहते हैं कि 40% पॉलिसी होगी या नहीं होगी, मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि आपको हर वीडियो मिले सबसे पहले। और यहाँ पर हम आपको जो है अल्लाह हाफिज़ कहेंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और वीडियोस को लाजमी शेयर किया करें, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपसे मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।